नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। हाल ही में आसिम रियाज के अपकमिंग सॉन्ग का टीजर रिलीज हुआ। मैंने इस टीजर का रिव्यू भी कर लिया है, अगर आपने अभी तक रिव्यू नहीं देखा तो रिव्यू ज़रूर देख ले। मैं आपको बता दूं कि उसमें हमें आसिम रियाज का लुक देखने को मिला, साक्षी मलिक की झलक देखने को मिली, अरमान मलिक की आवाज़ देखने को मिली और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सॉन्ग बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही बड़ा हिट रहने वाला है और ऑफकोर्स टी सीरीज़ पर रिलीज़ होगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने सब कुछ देखा, सबकी झलकियाँ हमें देखने को मिली, लेकिन एक मैंने आपको कहा था ना, एक टीज़र में हमें एक लाइन देखने को मिली थी, आप कह सकते हैं एक अरमान मलिक के लिए थी और कहीं ना कहीं एक आसिम रियाज के लिए थी और उसको देख के कहीं ना कहीं दिल खुश हो गया। कौन सी वो लाइन थी, चलिए मैं आपको बता दूँ। वो लाइन थी, उसमें लिखा था कि द वॉइस ऑफ रोमांस एंड द हर्ट बीट ऑफ द नेशन, यानी कि अरमान मलिक वॉइस ऑफ द रोमांस एंड हर्ट बीट ऑफ द नेशन, यानी कि आसिम रियाज, और ये दिल को छा गई थी। और मैंने कहा था कि ये जो मेरे दिल को छा गई है, लेकिन मेरे दिल को नहीं, फैंस के दिल को भी छा गया। जी हाँ दोस्तों, हर्ट बीट ऑफ द नेशन आसिम रियाज ये ट्रेंड कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा मोटा ट्रेंड, ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई एक फैंस जो है एक लाइन को पकड़ के जो है पूरे इंडिया में ट्रेंड करा दे, और वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है आसिम रियाज के साथ। वेल, हर्ट बीट ऑफ द नेशन आसिम रियाज करके जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, और मुझे लगता है ये होना भी था और ये हो भी गया। वेल, आपको क्या लगता है कि जो हर्ट बीट ऑफ द नेशन ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, इससे आप सहमत हैं या नहीं? ऑफकोर्स आप फैंस हैं आसिम के तो सहमत तो होंगे ही होंगे। वेल, आप कितना वेट कर रहे हैं सॉन्ग का, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।